कन्यादान पति पत्नी ही एक साथ करते हैं। जहां तक आकाश जी की बात है तो गुंजन की माँ तो अब रही नहीं, तो आकाश जी कैसे करेंगे? ये क्या बात कर रही हो सीमा? अब ये एक और नई मुश्किल? शैल बेटा, तुम भी कभी कभी ना बड़ी बेतुकी बात कर देती हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बच्ची का घर भरा पूरा रहे? जरा सोचो, अगर कन्यादान एक खुशहाल और सुखी पति पत्नी करते हैं तो वो खुशहाली और सुख नवविवाहित जोड़े को भी मिलेगी ना। इसमें समझने जैसी कौन सी बात है शैल बेटा? दीदी, सुनने में बुरा जरूर लगेगा, लेकिन स्नेहा दीदी के चले जाने के बाद आकाश भाई साहब तो कन्यादान करने से रहे। वो क्या है ना कि स्नेहा दीदी की अकाल मृत्यु हुई है, और बात साफ है दीदी, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत खुश रहें पूरी जिंदगी एक दूसरे की परछाई बनकर। हम नहीं चाहते कि कोई अपशगुन हो। ऐसा करना कौन से शास्त्रों में लिखा है? हाँ दीदी, अच्छा हुआ जेठ जी आप आ गए। आप ही बताइए कि कन्यादान कौन करेगा? देखिए ना, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। हमने सब सुन लिया है सीमा। उसमें क्या है, हमें कोई आपत्ति नहीं। गुंजन का कन्यादान हम और शैल करें, हम और शैल करें, हम और शैल, हम और शैल करें। ये आप क्या कह रहे हैं? यही तो हम कहना चाह रहे थे कि गुंजन का कन्यादान आप दोनों ही कीजिए। आप लोग उसके माँ बाप से कम थोड़े ही ना है। अब ठीक है, उसमें क्या है, कन्यादान मैं करूं या शैल जी आप और दयाल भाई साहब करें, एक ही बात। मानिए आकाश भाई साहब, हम जो भी कर रहे हैं ना, दोनों बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक्सक्यूज मी। क्या बात, क्या है, तुम गुस्सा क्यों? गुंजन हमारी बेटी भी तो है, अगर हम उसका कन्यादान करेंगे तो इसमें बुराई क्या है? वो बात नहीं है जी। वैसे तो गुंजन, रचना, पीहू तीनों हमारी बेटियां, लेकिन आकाश जी, गुंजन उनकी इकलौती बेटी है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं एक पिता का सपना होता है कि वो खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करे। इस वक्त आकाश जी पर क्या बीत रही है, किसी ने सोचा? देखो शैल, तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, हम ये जानते हैं, लेकिन हम बस इतना ही कहेंगे कि इस समय सीमा और मौसी को कोई भी ऐसा मौका मत दो कि वो बात का बतंगड़ बनाए। अगर उन्हें इस बात का वहम है कि आकाश जी कन्यादान नहीं कर सकते क्योंकि वो विदुर है, तो हमारे कितना भी समझाने के बावजूद भी वो इस बात को नहीं समझेंगे। इसलिए जैसा भी वो चाहते हैं
बस आप हो जाना तुषार। अगर बात सिर्फ इतनी होती ना जी, तो हम कभी नहीं भड़कते। लेकिन यहां तो हर चीज को लेकर अब क्या मतलब? हर चीज आजकल घर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, फिर भी हम चुप हैं। लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। जैसे क्या? कुछ नहीं। जो भी हो शायद, वक्त के साथ साथ हम उसका हल भी ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल तुम इतना परेशान मत, जो करना है उतना ही करते जाओ बस। हाँ, हम बस अभी आए, गुंजन के मेहंदी पर चीनी का पानी लगाना है। ठीक। मेरा प्यार, देखा आखिर हम पहुंच ही गए। माना कि एक लंबा सफर रहा, पर अब ये आखिरी पल बचा है। इसे पार करने के बाद कल से तुम होगी मिसेस मैं गर्ग। नेवर, मैं तो गुंजन ही होंगी, गुंजन मैग। मैग की गुंजन। आज की रात आखिरी रात है जब तुम मेरे बिना सो रही हो। कल के बाद हर दिन सोने से पहले तुम रोज मेरी शक्ल देखा करोगी। गुंजन बेटा, वो जी मौसी जी। जरा अपना मेहंदी दिखाना तो। बहुत सुंदर है। हम सोच रहे हैं इस पे चीनी का पानी लगा देते हैं ताकि रंग और निखर के आएगा। अच्छा सुनो, कल की सारी तैयारी हो गई? कपड़े जो पहने वो आ गए? हाँ मौसी जी, और वो बहुत सुंदर है। पता है, मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं आपको दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, हमारी गुंजन से तो सुंदर नहीं हो सकता ना। और ये मेहंदी ना, हमें पूरा यकीन है इसका रंग ना बहुत गाढ़ा आने वाला है। और अगर मेहंदी का रंग नहीं आया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% इसका रंग बहुत गहरा आने वाला है। देख लेना मयंक कितना प्यार जो करता है तुमसे। शायल जी अभी आई। हम देखते हैं रचना कहाँ है, उससे कहते हैं चीनी का पानी लगाने के लिए। मौसी, शायल दीदी कन्यादान कर रही है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। अब शायल दीदी जिंदगी भर हमारी समधन बनकर रहेंगी, और हम ठहरे लड़के की माँ, तो हुकुम तो हमारा ही चलेगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, बेशक चाबियां शायल दीदी के पास चली गई होंगी, लेकिन हुकुम तो हम ही करेंगे। हाँ अरे हमारी मानो तो हुकुम चला चला के शायल को चाबी वाली गुड़िया बना डालो और अपनी चालों पे नचा, और फिर देखना अगर शैल तुम्हारे इशारों पर नाचने लगेगी तो गुंजन को तो तुम्हारे कहने के मुताबिक चलना ही पड़ेगा। है ना मजे की बात सासू माँ? आज तुम्हारी बहुत कमी महसूस हो रही है। काश तुम आज होती तो
तो हम दोनों एक साथ गुंजन को विदा करते हैं। उसका कन्यादान करते हैं। और गुंजन का कन्यादान तो आकाश जी ही करेंगे। होती आ रही है। देखा, ये सब हमारे मैंग भैया के प्यार का कमाल है ना? रचना, मुझे डर लग रहा है। डर? लेकिन किस बात का? यही कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ना? और नहीं तो क्या? अगर अब तक सब ठीक होते आ रहा है तो आगे किस बात की चिंता या डर? पता नहीं, खुशी के साथ साथ एक अजीब सी फीलिंग भी है, नर्वसनेस हो रही है। ओ गुंजन, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, बहुत खुश। फाइनली तुम्हारे भैया शादी कर रहे हैं, ये। जिंदगी भी कितनी अजीब सी होती है ना रचना। जो हम चाहते हैं जब वो एक्चुअली में होने लगता है तब समझ में ही नहीं आता कि सब कुछ सच है या सपना। हमारी बहना 100% सच है। गुंजन, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो। मैं रेडी हो जाती हूं। याद है ना, शादी से पहले मिलना नॉट अलाउड। बाय द वे, मेहंदी का कलर बहुत अच्छा है। नहीं है।
से। अरे रुको यार, अरे यार मैं तुमसे जरूरी बात करने आया। जो तुम गुंजन डार्लिंग भूल रही हो, याद करो। क्या? यही कि तुम मुझे अपनी सारी फैमिली से मिलवा चुकी हो सिवाय एक पर्सन के, और जिससे मिले बिना मैं मंडप में नहीं बैठने वाला। मेरी फैमिली में से ऐसा कौन है जिससे तुम नहीं मिले? पापा, मयंक शादी से पहले मम्मा से मिलना चाहता था। मामा, ये मयंक है जिससे मैं शादी करने जा रही हूं। मयंक गर्ग, मेरा होने वाला हस्बैंड एंड आपका होने वाला सन इन लॉ। आई एम श्योर अगर आप आज यहां होती ना तो आपको मेरी चॉइस बहुत अच्छी लगती। आपको कोई लड़का चूज करना होता तो आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लड़का चुनती। और शायद शायद आपको तो पहले से ही पता था, इसीलिए आपने मुझे यहां बनारस में रहने के लिए भेज दिया था, है ना? मामा, आज से मैं अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूं। आई नो कि आपका आशीर्वाद हमेशा हम दोनों के साथ। आई लव यू मम्मा। हेलो आंटी, मैं आपसे कभी मिला नहीं, लेकिन सब कहते हैं कि कुंचन आपकी परछाई है। I just wish कि आज आप हम सबके साथ यहां होती। मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूं और अंकल आपसे भी, मैं कुंजन को जिंदगी में हर खुशी देने की पूरी कोशिश करूंगा, उसके हर सुख दुख सब में उसका साथ दूंगा। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हेलो, हाँ हाँ आज ही पहुंचाना है, वो शादी के हॉल में ले आएगा। जी जी, मयंक थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अरे एक बहुत ही जरूरी काम रह गया, आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, बंद करो।